बड़ी खबर गुना से, जहां बीजेपी सांसद केपी यादव ने सिंधिया परिवार का नाम लिए बिना कड़ा कटाक्ष किया है। केपी यादव ने कहा है कि यदि रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी नहीं होती तो आज हम लोग देश की आजादी के 75वीं नहीं बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहे होते। हम 175 साल पहले आजाद हो चुके होते। बता दें कि सिंधिया राजघराने पर हमेशा से ही अंग्रेजों का साथ देने और रानी लक्ष्मीबाई को धोखा देने के आरोप लगे हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद केपी यादव के इस बयान ने एक बार फिर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। सांसद ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की नब्ज दबाते हुए राजनीति गर्मा दी है। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे पास झांसी की ही थी और उनके शौर्य के बारे में भी हम सभी जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि अगर कुछ समय कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी नहीं की होती तो शायद हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ नहीं मना रहा होता स्वतंत्रता की, बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता। हम 100 साल पहले ही और आजाद हो चुके होते।